माय नेम इज मेहर, वेलकम टू माय चैनल चेकमेट 007। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं सुरमई मच्छी। ग्रेवी है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। मेरे स्टाइल से बनाई है और मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए उसके इन्ग्रीडियंट्स मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने मीडियम साइज की सुरमा मच्छी ली हूँ, मैंने एकदम बड़ी नहीं ली हूँ। और मैंने एक मच्छी को लेकर और उसको अच्छे से क्लीन कर ली। अच्छे से सबसे पहले मैंने उसको नमक लगा के और 10 मिनट उसको रख दी थी। और फिर मैंने उसको आटा लगा के फिर धोई, वॉश करी, अच्छे से वॉश करी। इसको हम साइड में रख देते हैं। ये देखिए, एक मीडियम साइज की प्याज ली हूँ मैंने, उसको मैंने पेस्ट बना ली हूँ। एक टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ली हूँ। एक टी स्पून मैंने राई ली हूँ। 10 से 12 कड़ी पत्ता ली हूँ, नमक टेस्ट के हिसाब से ली हूँ। एक हाफ टी स्पून मुझे गरम मसाला लगेगा, मैंने हाफ टी स्पून गरम मसाला ली हूँ। हाफ टेबल स्पून मुझे चिल्ली पाउडर लगेगा, हाफ टेबल स्पून मैंने चिल्ली पाउडर ली हूँ। तीखी लाल मिर्च जो मैं बताती हूँ आपको, हाफ टेबल स्पून मुझे हल्दी लगेगी और हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च लगेगी। और आधा कोकोनट जो आता है गीला खोपरा, मैंने आधा ली थी और उसको लेकर मैंने ना बारीक बारीक पीस बनाकर मैंने पेस्ट बना ली थी। पेस्ट बना के उसका ना मैंने दूध निकाल ली हूँ। ये देखिए, दूध निकाल के मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। और अगर आपको ये दूध नहीं मिलता है, खोपरे का दूध, गीला खोपरा नहीं मिलता है, तो पाउडर भी आता है, शेशर आता है, 20 रूपए का मिलता है। आप मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए इसका मेथड मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, चूल्हा मैंने चालू कर दी हूँ और कढ़ाई रख दी हूँ। मैंने कढ़ाई में 3-4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दी। आप मस्टर्ड ऑयल में बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बनेगी, वो भी ले सकते हैं आप। सबसे पहले हम राई डाल देंगे, फिर कड़ी पत्ता डालेंगे, फिर ये जो हमारा प्याज का पेस्ट है वो डाल देंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से भूनने देंगे, थोड़ा सा गुलाबी पिंक हो जाए। थोड़ा पिंक होने तक इसको हम पकने देंगे। इसके बाद में हम अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें। इसे भी अच्छे से भूनने देंगे। अब हम डालेंगे हमारा तिखी लाल मिर्च डालेंगे, हाफ टेबल स्पून, जैसे कि मैं आपको बताई हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी हाफ टेबल स्पून, हल्दी डालूंगी हाफ टेबल स्पून, गरम मसाला डालूंगी और मैं नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और ये जो हमारा कोकोनट का मिल्क है उसको मैं थोड़ा सा डालूंगी मसाला भूनने के लिए, बाकी का मुझे बाद में ऐड करना है। देखिए, मसाला हमारा भून चुका है, ऑयल हमारा बाहर आ चुका है मसाले से। अब हम कोकोनट जो हमारा मिल्क है पूरा डाल देंगे और इसमें खूब अच्छे से इसे मिक्स कर ले होने देंगे और 1 से 2 जोश इसमें आने तक का रहने देंगे इसको। देखिए, इसमें जोश आ चुका है और अब हमें क्या करना है, एक एक पीस उठा के इसके अंदर डालना है। देखिए, मैंने मच्छी को फ्राई नहीं करी हूँ, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। ऐसे आप मेरे तरीके से बना के देखिए, बहुत अच्छी बनेगी। और मैंने साइज छोटा ली हूँ, आप अपने हिसाब से बड़े साइज की भी ले सकते हैं, लेकिन छोटे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसके लिए मैं छोटा ली हूँ। और ये देखिए, हल्का सा हाथ से, जैसे कि मैंने आपको कोफ्ते ग्रेवी में बताई थी, ऐसे ही मैं आपको इसमें बता रही हूँ। और 5 से 10 मिनट हम इसे पकने देंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए, हम अपना फिश को देख लेते हैं, रेडी है कि नहीं। ये देखिए, 10 से 15 मिनट मैंने इसे पकने दी और इतनी अच्छी बन गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चल, ये हमारी फिश रेडी है, मैं इसको आपको प्लेटिंग करके बताती हूँ। देखिए, सुरमा मच्छी ग्रेवी तैयार है, बहुत अच्छी लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मेरे तरीके से जरूर ट्राई कीजिए।
अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।